Hi friends, welcome to Foodies Villa. In today's video, I'm going to show you one of the easiest recipe I have tried. No bake chocolate cake. Yes, cake, but without any oven, without baking. So let's get started. For this recipe, we'll have to make a cup of coffee. मैंने गरम पानी लिया है अराउंड 1 कप, अराउंड 180 मिलीलीटर ऑफ लिक्वॉर्म वाटर. इसमें हमें ऐड करना है 2 टीस्पून कॉफ़ी. बेसिकली हमें 1 कप कॉफ़ी बनानी है. लेट्स बिगिन द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ टू प्रिपेयर अ गनाश, अ चॉकलेट गनाश फॉर अ चॉकलेट केक. जिसके लिए आपको चाहिए होगा क्रीम. 1.5 कप्स ऑफ क्रीम लेना है. कोई भी नॉन स्टिकी या स्टील का पैन यूज़ कर सकते हैं आप. सबसे पहले क्रीम ऐड कीजिए और उसके बाद आप इसमें चॉकलेट ऐड करेंगे. हीट जो है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए. लो हीट पर ही हमें क्रीम को और गनाश के पूरे प्रोसीजर को करना है. मिल्क चॉकलेट यूज़ करना है आपको 180 ग्राम्स. किसी विस्कर की हेल्प से अच्छे तरीके से इसे मिक्स कीजिए. मेक श्योर के बॉटम में जो चॉकलेट है वो स्टिक ना हो जाए, वरना हमारा गनाश पूरे तरीके से बिटर हो सकता है. स्लोली स्लोली चॉकलेट मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है. उसके बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे कॉफ़ी. अराउंड 2 टेबल स्पून कॉफ़ी. मिक्स इट वेल एंड देन ऐड शुगर. 2 टेबल स्पून शुगर लिया है मैंने यहाँ पे. आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं एंड पिंच ऑफ सॉल्ट जस्ट टू बैलेंस द स्वीटनेस ऑफ द गनाश. अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए. इसके बाद दूध ऐड करना है हमें, मिल्क 2 टेबल स्पून. जब हम मिल्क ऐड कर रहे होंगे तो मिल्क ऐड करते मरतबा आपको इसके अंदर एक बात का ख्याल रखना है कि इसी मिल्क के अंदर पहले आप 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिए. उसको अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए मिल्क में. उसके बाद आप उसे गनाश में डाल सकते हैं. गनाश रेडी हो चुका है हमारा. अब हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ पर एक ट्रे लिया है, बेकिंग ट्रे, जिसमें बिस्किट को हम बॉटम में प्लेस करेंगे 1 बाय 1, जैसे आप देख सकते हैं मैंने रेसिपी में किया है. और उसके बाद अराउंड 1 टीस्पून हर बिस्किट के ऊपर हमें कॉफ़ी ऐड करनी है. कॉफ़ी जो है वो हमारे बिस्किट को एक तरीके से केक का टेक्सचर देगी. सॉफ्ट हो जाएंगे हमारे बिस्किट्स. और उसके बाद हमें इस पे गनाश की लेयर जो है वो रखते जानी है. मैंने टोटल 3 लेयर्स बनाए हैं सेम प्रोसीजर के साथ. बिस्किट प्लेस करना है, कॉफ़ी ऐड करते जानी है हर बिस्किट पे. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ के जहाँ भी मुझे लगता है कि थोड़ी जगह खाली है वहाँ पर मैंने बिस्किट्स रखा है. मेक श्योर कॉफ़ी से अच्छे तरीके से आप बिस्किट को कवर कर लीजिए ताकि वो केक का फ्लेवर दे हमारे केक में. ओके? और गनाश भी उसी तरीके से होनी चाहिए. जो चॉकलेट का हम यहाँ पर ड्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी थिकनेस बिस्किट की है उतनी ही थिकनेस हमारे चॉकलेट की होनी चाहिए, चॉकलेट लेयर की होनी चाहिए. आप उसे थोड़ा और एक्स्ट्रा थिकनेस भी ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा चॉकलेट क्रीम पसंद है तो. इट्स अ वेरी इजी रेसिपी. इट टुक ओनली 15 मिनट्स टू मेक मैक्सिमम एंड इट टर्न्ड आउट सो गुड. ट्रस्ट मी, यू विल गोइंग टू लाइक दिस रेसिपी. टॉप लेयर को भी मैंने इसी तरीके से अच्छे तरीके से स्पैचुला से इवन कर लिया रेफ्रिजरेटर में 4 आवर्स के लिए और 3 आवर्स के लिए मैंने सेट कर दिया था. अब इसके टुकड़े कर लेते हैं, स्मॉल पीसेस. Ready.
So our chocolate cake is ready. Please subscribe to our channel for more videos and please like and comment down below. Thank you so much for watching.